हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग अपने चैप्टर नंबर 9 इशू ऑफ शेयर्स के नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। सुगंध लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 92,000 शेयर्स, द डायरेक्टर्स रिजोल्व टू अलॉट एस। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, 60,000 शेयर्स के लिए हमने एप्लीकेशन मांगी हैं और ₹10 का एक शेयर है जिसमें हम लोग ₹2 का प्रीमियम ले रहे हैं, लेकिन उसमें जो हमारे पास एप्लीकेशन आ गई हैं बेटा वो 92,000 शेयर्स की आ गई हैं, यानी बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन है हमारा। अब डायरेक्टर्स ने यहाँ पर क्या डिसीजन लिया, चला देखते हैं। डायरेक्टर्स ने यहाँ पर क्या किया, बड़ा तीन कैटेगरीज बना दी हैं, राइट। फर्स्ट कैटेगरी में क्या बोला है, एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर्स को हम लोग 30,000 शेयर्स ही देंगे। फिर जो सेकंड कैटेगरी में एप्लीकेंट्स हैं जिनको 50,000 शेयर्स जिन्होंने हमसे मांगे हैं, एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स की भेजी है, उनको भी हम 30,000 शेयर्स ही देंगे। तो यहाँ पर टोटल 60,000 शेयर्स हो गए जो हमने इशू करने थे, इसलिए जो बाकी के एप्लीकेंट्स हैं 2,000 जिन्होंने शेयर्स मांगे थे हमसे, हम उनको कुछ नहीं दे रहे बेटा। तो यहाँ पर इनका निल है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स इन कैटेगरी 1, इस वाली कैटेगरी में जिसमें 40,000 अप्लाई किए थे और 30,000 दिए, उस कैटेगरी में एक इन्वेस्टर है मोहन, इसने अप्लाई किया था 800 शेयर्स के लिए। दूसरा है सोहन हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स इन कैटेगरी 2, और दूसरा एक पर्सन है सोहन जो कि कैटेगरी 2 है उसमें आता है, उसको हमने 600 शेयर्स अलॉट किए थे बेटा, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। अब इन दोनों ने क्या किया, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया बेटा, अलॉटमेंट मनी ये लोग नहीं दे पाए। कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि आप यहाँ पर कितना अमाउंट हमें अलॉटमेंट के टाइम पर मिलेगा उसकी कैलकुलेशन कर करके दिखाओ। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इस क्वेश्चन की एक छोटी सी समरी बनाएंगे बेटा। चले देखिए क्वेश्चन नंबर में, अब इस क्वेश्चन में बेटा हमारा जो इशूड है बेटा, इशूड कितने करने हैं हमें, इशू करने हैं 60,000 शेयर्स, राइट। और अप्लाइड कितने हुए थे इस केस में, हमारे पास अप्लाइड हुए हैं 92,000 शेयर्स। तो 92,000 शेयर्स हमारे पास एप्लीकेशंस के रूप में मांगे गए हैं हमसे। एक शेयर की वैल्यू ₹10 की बोली गई है और इस पर ₹2 का हमें प्रीमियम भी चार्ज करना है, जिसमें ₹3 आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे, एप्लीकेशन पर आपको ₹3 भेजेंगे जो भी इन्वेस्टर्स होंगे, ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसका मतलब ₹3 फेस वैल्यू के और ₹2 प्रीमियम के। तो इस तरह से ₹5 हम लोग अलॉटमेंट के टाइम पर मांग लेंगे बेटा, और उसके बाद जो हमारी फाइनल कॉल होगी बेटा वो ₹4 की हो जाएगी, ₹4 की हमारी फाइनल कॉल हो जाएगी। तो ये हमारा इस तरह से हम लोगों को ये 10+₹2 हमने इन्वेस्टर से लेना है, अपने शेयर होल्डर से लेना होगा। अब देखो बेटा इसमें हो क्या रहा है, अब यहाँ पर आपको तीन कैटेगरीज के बारे में बोला गया है। तो तीन कैटेगरीज कौन कौन सी है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट कैटेगरी इन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, अप्लाइड। तो फर्स्ट कैटेगरी ने अप्लाई किया है बेटा 40,000 शेयर्स के लिए, राइट, ये हमें क्वेश्चन ने बोला है। सेकंड कैटेगरी की अगर बात करें तो सेकंड कैटेगरी वालों ने 50,000 शेयर्स हमसे मांगे हैं, 50,000 शेयर्स के लिए सेकंड कैटेगरी ने अप्लाई किया था, और थर्ड कैटेगरी वालों ने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। अब हमने इनको अलॉट कैसे किया बेटा, अलॉटमेंट इनका कैसा हुआ है, फर्स्ट कैटेगरी वालों को हमने 30,000 शेयर्स दिए, इसी तरह से सेकंड कैटेगरी वालों को भी हमने 30,000 शेयर्स दिए, और यहाँ पर इनको कुछ नहीं दिया बेटा, थर्ड कैटेगरी वालों को हमने कुछ भी नहीं दिया। अब देखो, अब हमसे बोल रहा है कि यहाँ पर दो लोग हैं, एक का नाम है बेटा मोहन। अब मोहन की बात करते हैं, देखिए इसके आगे मोहन की बात करते हैं। मोहन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, मोहन फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, और इसने जब अप्लाई किया था बेटा तो अप्लाई थे इसके 800 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया। अब हमने इसको अलॉट कितने किए ये हमें निकालना पड़ेगा, हमने एक्चुअल में इसको अलॉट कितने किए। इसी तरह से दूसरा पर्सन है सोहन ने अप्लाई कितने किए थे बेटा। अब सोहन की अगर मैं अप्लाइड शेयर्स देखूं तो सोहन के अप्लाइड शेयर्स मुझे नहीं मालूम,
हमें बोला गया है सोहन को हमने 600 शेयर्स अलॉट किए थे बेटा, 600 शेयर्स हमने अलॉट किए थे। अब देखो यहां पर होता क्या है, जिस भी इन्वेस्टर ने कुछ डिफॉल्ट किया होता है तो हमें उसकी दोनों चीजों को पता लगाना होगा बेटा, कि उसने अप्लाई कितना किया था, उसको अलॉट कितने किए गए, अप्लाई कितना किया गया था, अलॉट किए गए। अब यहां पर दोनों केसेस हैं, देखिए एक केस में मोहन के केस में हमारे पास सिर्फ अप्लाइड वाला शेयर्स दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड कितने, तो अलॉटेड हमें निकालना पड़ेगा। दूसरी तरफ सोहन की बात करें तो उसका अलॉटेड दे रखा है लेकिन अप्लाई हमें निकालना पड़ेगा, तो इन दोनों को हमें निकालना है। और दोनों की कैटेगरी भी अलग है, ये फर्स्ट कैटेगरी क्या और ये सेकेंड कैटेगरी से आ रहा है, ये वाली कैटेगरी, यानी इस 40,000 शेयर्स जो जिन्होंने अप्लाई किए थे उसमें मोहन भी एक था, 50,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई किए थे उसमें सोहन भी एक था। तो इस तरह से ये हमारी कुछ कैटेगरीज हैं और ये हमारे दो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मतलब इन्होंने एप्लीकेशन पर तो पैसा भेज दिया बेटा, एप्लीकेशन पर पैसा आ गया लेकिन अलॉटमेंट पर इन दोनों का पैसा नहीं आया। अब हमें यहीं तक की वर्किंग करके बतानी है और हमें यह बताना है कि कंपनी के पास अलॉटमेंट में एक्चुअल में कितना पैसा रिसीव हुआ होगा। चलिए अब देखो बेटा कैसे करना है इसको। सबसे पहले हम लोग यहां पर यह निकालते हैं कि मोहन ने जो 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो उसको हमने अलॉट कितने किए बेटा, कितना अलॉटमेंट हुआ था इसका। तो इसको निकालने के लिए बेटा देखो बहुत ही सिंपल सा है, आपको उसकी कैटेगरी मालूम है ठीक है, उसकी कैटेगरी में यहां देखो, ये देखो 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था और 30,000 शेयर्स इनको अलॉट हुए थे, तो बस यही रेशो मुझे इसके लिए ले लेना है बेटा, यही रेशो मुझे इसके लिए ले लेना है। रेशो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4:3 आ जाएगा, 4:3। खैर हम लोग उतना कॉम्प्लिकेटेड अभी नहीं बनाते, अभी हम लोग इसको और सिंपल रखते हैं। आपने यहाँ पर अलॉटेड निकालना है तो आप इसकी कैटेगरी में जाओ और देखो अलॉटेड कितने हैं। हमें जो चीज निकालनी है बेटा पहले मुझे वो देखना है, मुझे जो चीज निकालनी है, मुझे यहां पर क्या निकालना है, मुझे यहां पर अलॉट निकालना है, अलॉटेड निकालना है। तो अलॉटेड में देखे कि इस कैटेगरी में अलॉटेड कितने हैं, तो इस कैटेगरी में जो अलॉटेड है बेटा वो 30,000 है, तो मैंने यहां पर 30,000 लिख दिया, मैंने यहां पर 30,000 लिख दिया बाय अपॉन, ठीक है अपॉन में अप्लाइड कितने हैं मैं वो लिख दूंगा, तो अप्लाइड कितने थे बेटा 40,000 इंटू कितने नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई किए थे इस पर्टिकुलर पर्सन ने, मोहन ने, तो 800 किए थे सर, 800 किए थे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो अभी ये मैं समझा देता हूँ आपको। अब जरा आप इसको सॉल्व करो बेटा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 600 शेयर्स, आपके पास आंसर आएगा 600 शेयर्स, यानी मोहन ने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और हमने उसको 600 शेयर्स अलॉट किए। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसकी कैटेगरी को देखेंगे, इसकी कैटेगरी में हमें जो भी चीज़ निकालनी है, मुझे अलॉट निकालना है बेटा, तो अलॉटमेंट को ऊपर रखेंगे, अलॉटमेंट कितनी थी इसकी कैटेगरी की 30,000 की, अप्लाइड उसको नीचे रखेंगे, तो अप्लाइड कितना था 40 इंटू जितने भी शेयर्स इसके दे रखे हैं अप्लाइड के, उसको यहाँ पर इंटू कर करके लिख देंगे और इसको जब मैं इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 600 शेयर्स आ जाएंगे। अब देखो इसका भी देख लेते हैं, इसका भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर सोहन जो कि सेकंड कैटेगरी से, यानी इस वाली कैटेगरी से है बेटा, इसका अलॉटेड तो दे रखा है, इसका अलॉटेड दे रखा है लेकिन अप्लाइड निकालना, चलो मेरे पास यहाँ पर स्पेस मैंने हटा दिया तो मैं यहाँ पर अप्लाइड निकाल लेता हूँ इसका, तो इसका मैं अप्लाइड यहाँ निकाल लेता हूँ। तो देखो बेटा अप्लाइड निकालना है मुझे, जो भी चीज़ निकालनी है मुझे उस कैटेगरी में जाना है पहले, तो मुझे सेकंड कैटेगरी में जाना है, इसकी सेकंड कैटेगरी है, उस सेकंड कैटेगरी में मुझे क्या निकालना है अप्लाइड, तो मैं पहले अप्लाइड वाला लिखूंगा, जो भी चीज़ निकालनी है उसको पहले लिखेंगे उसकी कैटेगरी से, राइट। तो मुझे क्योंकि यहाँ पर अप्लाइड निकालना है तो मैंने पहले अप्लाइड वाला अमाउंट लिखा अपॉन में अलॉटेड, अलॉटेड कितना इसको भी 30 इंटू इसको कितना अलॉटमेंट हुआ था बेटा 600 का अलॉटमेंट हुआ था। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहां पर क्या आंसर आ जाएगा बेटा, तो यहां आ जाएगा 1000 शेयर्स बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और हमने इसको 600 शेयर्स ही अलॉट किए, इसने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था इसको हमने 600 शेयर्स। तो यहां दोनों में डिफरेंस देखा आपने, यहां पर मुझे अलॉटेड निकालना था तो मैंने ऊपर पहले अलॉटेड लिखा, यहां पर अप्लाइड निकालना था यहां पर मैंने ऊपर अप्लाइड वाला अमाउंट लिखा। यहां देखिए यहां अलॉटेड 30,000 अलॉटेड थे इसकी कैटेगरी में, 50,000 यहां पर अप्लाइड थे इसकी कैटेगरी में। तो जो भी आपको चीज निकालनी है, अलॉटेड निकालनी है,
कितना अलॉट किया तो पहले अलॉटेड वाला लिखेंगे, अप्लाइड निकालना था, तो बस इसको याद रखना बेटा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। बस अब हमें यहाँ पर कितने शेयर्स मोहन ने अप्लाई किए थे, कितने उसको अलॉट किए, कितने सोहन ने अप्लाई किए थे, कितने उसको अलॉट किए, वो हम लोगों ने यहाँ पर पूरा वर्किंग करके देख लिया। अब हमें आगे देखो क्या करना है। अब हमें ओवरऑल बताना है कि हमारे पास अलॉटमेंट का कितना पैसा आया था बेटा, राइट। तो चलो उसको निकाल लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा वर्किंग यहाँ पर करते हैं। आप सबसे पहले लिखेंगे बेटा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब देखिए एप्लीकेशन मनी आपको कितनी मिली थी बेटा, हमें टोटल एप्लीकेशंस कितने की आई हैं, 92,000 शेयर्स की आई हैं। 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आई हैं और एप्लीकेशन में पर शेयर आपको कितना मिला, पर शेयर आपको मिला ₹3। तो इसका मतलब जो मेरा एप्लीकेशन मनी होगा, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, 92,000 शेयर्स पर मुझे ₹3 मिले हैं बेटा, राइट। 92,000 शेयर्स पर मुझे ₹3 मिले हैं। इसका मतलब मुझे टोटल अमाउंट कितना मिला, मुझे यहाँ पर जो टोटल अमाउंट मिला वो मिला 276,000 रुपीज़ मुझे बेटा यहाँ पर एप्लीकेशन के टाइम पर मिला होगा। चलिए ठीक है। अब इसमें से जो मैंने शेयर्स अलॉट किए उसका अमाउंट कितना आया। अब मैंने कितना इशू किए होंगे बेटा, मैंने कितने अलॉटमेंट किया है, मैंने 60,000 शेयर्स का अलॉट किया, 30-30 करके 60 मैंने टोटल अलॉट किए हैं। तो इसका मतलब मुझे जो पैसा यहाँ पर अलॉट किया मैंने उसमें से, इस 276,000 रुपीस में से वो कितना किया, वो मैंने किया 1,80,000 के शेयर ही मैंने सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स को बांटे हैं, बाकी नहीं दिए बेटा। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर कुछ एक्सेस अमाउंट है बेटा, यहाँ पर मेरे पास कुछ एक्सेस अमाउंट रिसीव हुआ है, राइट। मेरे पास ज़्यादा अमाउंट रिसीव हो गया। तो कितना ज़्यादा अमाउंट रिसीव हो गया मुझे, तो यहाँ पर इनका डिफरेंस देख लेते हैं बेटा। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो 96,000 रुपीज़ मेरे पास एक्सेस अमाउंट के रूप में आ गए हैं बेटा। 96,000 रुपीज़ मेरे पास एक्सेस अमाउंट के रूप में आ गए हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई हमें, ये बात समझ में आ गई। अब देखो क्या होता है, अब देखो बहुत ध्यान से समझना बेटा। यहाँ पर ये जो लोग हैं जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और मैंने उनको 30,000 अलॉट किए, तो इन्होंने भी मुझे यहाँ पर 10,000 शेयर्स के पैसे ज़्यादा भेजे हुए हैं। इस वाली कैटेगरी में भी 50,000 अप्लाई किए थे, 30,000 ही मिले उनको, यानी 20,000 शेयर्स के पैसे मेरे पास ज़्यादा आ गए हैं, राइट। और थर्ड कैटेगरी ने जिसने 2,000 शेयर्स के मुझे पैसे भेजे थे, उसके तो पूरे के पूरे पैसे ही मेरे पास एक्सेस है, क्योंकि मैंने उनको तो कुछ अलॉट ही नहीं किया बेटा, उनका तो अलॉटमेंट ही जीरो है। तो मेरे पास ये जितना भी एक्सेस मनी है उसको मैं क्या करूंगा। अब जितना भी मेरे पास ये 96,000 रुपीज़ इन तीनों कैटेगरीज का मिला करके 96,000 रुपीज़ मेरे पास एक्सेस अमाउंट है बेटा। अब मैं इसका क्या करूंगा, देखो जिन जिन लोगों को मैंने यहाँ पर कुछ अलॉटमेंट किया है, ऐसा नहीं है, देखो इन कैटेगरीज में ऐसा कोई भी इन्वेस्टर नहीं है जिनको मैंने कुछ ना दिया हो, हर एक को कुछ ना कुछ मिला है, राइट। तो यहाँ पर हर एक को कुछ ना कुछ मिला है, तो जिन लोगों को कुछ ना कुछ मिला है तो उनका जो इसमें से एक्सेस अमाउंट है उसको तो मैं अलॉटमेंट के जो नेक्स्ट वाली कॉल होगी, अलॉटमेंट वाली कॉल होगी, मैं उसमें एडजस्ट कर लूँगा इनका एक्स्ट्रा पैसा, इनका एक्सेस अमाउंट तो मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा। लेकिन इन लोगों को जिनको मैंने कुछ भी नहीं दिया, इनका तो मुझे अभी हाथ रिफंड भी करना पड़ेगा, तो मुझे इन्हें रिफंड करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले तो हम इसको रिफंड कर देते हैं। तो रिफंड कितना करेंगे बेटा, रिफंड हम करेंगे 2000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए थे उनके ₹3 आए थे हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम पर। ये जो ₹3 आए थे मेरे पास इन 2000 शेयर्स वालों के, इनको तो मैं पहले चेक वापस भेज दूंगा बेटा, तो इनका जो टोटल अमाउंट है वो ₹6,000 है। ये ₹6,000 तो मैंने इस 96 के एक्सेस अमाउंट में से इनको रिफंड कर दिया बेटा, इनके अकाउंट में वापस भेज दिया। तो एक काम तो मेरे पास ये हो गया। अब मेरे पास और कितना बैलेंस बच गया, अब मेरे पास ये बच गया 90,000 रुपीज़। ये जो 90,000 रुपीज़ है वो मेरे इन दो कैटेगरीज के हैं, ये कैटेगरी वन और कैटेगरी टू वालों के हैं बेटा, ठीक है। तो ये 90,000 रुपीज़ मेरे इनके हैं। इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं अब अलॉटमेंट पर एडजस्ट करूँगा बेटा, इसको मैं अलॉटमेंट पर एडजस्ट करूँगा 90,000 रुपीज़ को, मैं अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लूँगा। तो चलो अलॉटमेंट पर देखते हैं कैसे कितना कितना अमाउंट ड्यू होना है इनको। तो सबसे पहले देख लेते हैं अलॉटमेंट पर इनको ड्यू कितना है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब
अलॉटमेंट पर कितने का कॉल था हमारा, यहाँ पे देखो अलॉटमेंट पर 3+2 यानी 5 रुपीज़ का कॉल है मेरा, ठीक है। मैंने इनसे 5 रुपये मांग रहे हैं जिसमें 3 रुपये फेस वैल्यू के हैं और 2 रुपीज़ प्रीमियम के हैं। तो यहाँ पर मुझे अलॉटमेंट पर कितने लोगों से मांगने हैं, 60,000 शेयर्स के लिए। इन दोनों कैटेगरीज के टोटल 60,000 शेयर्स जो मैंने इनको अलॉट किए हैं, इनके मैंने इनसे 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से मांग लिए बेटा, ठीक है। तो टोटल अमाउंट जो मेरे पास यहाँ पर रिसीव होगा वो कितना होगा, वो होगा 60,000 का 5 रुपीज़। टोटल मैंने जो इन पर ड्यू किया वो 60,000 का 5 रुपीज़ ड्यू किया बेटा, तो टोटल जो इनके ऊपर ड्यू हो गया वो होगा 3 लाख। तो 3 लाख रुपये अब मेरे पास यहाँ पर मैंने इन पर ड्यू कर दिए बेटा, इनके ऊपर ड्यू कर दिए 3 लाख रुपये, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें से इस 3 लाख रुपीज़ में से मेरे पास ऑलरेडी कितने आए हुए हैं बेटा, मेरे पास ऑलरेडी 90,000 रुपीज़ आए हुए हैं, मेरे पास ऑलरेडी 90,000 रुपीज़ आए हुए हैं। तो मैंने क्या किया, इन एक्सेस अमाउंट को मैंने एडजस्ट कर दिया, एडजस्टेड एक्सेस अमाउंट मैंने एडजस्ट कर दिया। और एक्सेस अमाउंट मेरा कितना था यहाँ पर, अब 90,000 रुपीज़ का मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था इनका, तो मैंने उसको इसमें एडजस्ट कर दिया। तो अब जो मेरे पास अमाउंट आ जाना चाहिए वो कितना आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए, वो मेरे पास आना चाहिए 2,10,000 रुपीज़, 2,10,000 रुपये मेरे पास अलॉटमेंट का अमाउंट आना चाहिए बेटा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि सबने पैसे नहीं दिए बेटा, सबने पैसा नहीं दिया। तो कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया, अब हमें यहाँ पर ये देखना है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ मोहन और सोहन इन दोनों ने हमारे को इस अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, जो हमने इन पर ड्यू किया था वो पैसा नहीं दिया। तो इनका कुछ कॉल्स इन अरियर हो गया, ये जो कॉल्स इन अरियर हुआ, जो इन्होंने पैसा नहीं दिया, वो अमाउंट मेरे पास फिर नहीं रिसीव हुआ होगा इस 2,10,000 रुपये में से। इस 2,10,000 रुपीज़ में से मेरे पास मोहन और सोहन का अलॉटमेंट का पैसा पूरा नहीं आया है बेटा, पूरा नहीं आया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरा नहीं आया, कुछ तो अमाउंट मेरे पास आया ही हुआ इसका। तो वो कैसे पता चलेगा कि कितना अमाउंट आया हुआ है, तो चलिए उसकी भी एक वर्किंग कर लेते हैं बेटा, उसकी भी एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं कि कैसे कैसे पता चलेगा मुझे इनका कितना कितना अमाउंट मेरे पास आया हुआ है। क्योंकि बेटा इन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पर कुछ एक्सेस अमाउंट भेजा था मुझे, तो वो जो एक्सेस अमाउंट मेरे पास आया था वो अलॉटमेंट में ही तो मैंने एडजस्ट किया, यानी वो पैसा तो मेरे पास आया हुआ है, लेकिन फिर भी इनको मुझे कुछ पैसा और भेजना चाहिए था जो इन्होंने नहीं भेजा। तो चलो हम उसकी वर्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन मनी में कितना भेजा था, तो मेरे पास जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई थी किसकी, मोहन की और सोहन की, इन दोनों के साथ साथ लेकर के चलते हैं। मोहन ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था बेटा, अब यहाँ देखो मोहन ने अप्लाई किया था 800 शेयर्स के लिए। तो मोहन का जो मेरे पास पैसा आना था 800 शेयर्स का आना था, इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, 800 शेयर्स का इसने मुझे 3 रुपीज़ भेजा था बेटा, यानी मोहन ने मुझे 2,400 रुपये भेजे थे, मोहन ने मुझे 2,400 रुपये भेजे, 2,400 रुपीज़ मोहन ने मुझे भेजा था। सोहन की बात करें तो सोहन ने अप्लाई कितना किया था, सोहन ने अप्लाई किया था 1,000 शेयर, ये अभी अभी हम लोगों ने निकाला था। तो सोहन की तरफ से 1,000 शेयर्स की अप्लीकेशन आई थी और पर शेयर कितना पैसा आया होगा, 3 रुपीज़। तो इसका मतलब 1,000 शेयर्स का 3 रुपीज़, तो 3,000 रुपीज़ मुझे सोहन ने एप्लीकेशन मनी के रूप में भेजा था, राइट। ये बात समझ में आ गई हमें कि इन दोनों से कितना कितना पैसा आया हुआ है मेरे पास। अब मैंने इनको अलॉटमेंट कितना किया, तो अलॉटेड शेयर्स अमाउंट कितना था बेटा इनका, जितने भी मैंने इनको शेयर्स अलॉट किए उसका कितना अमाउंट बनता है। तो चलो अब अलॉटेड भी देख लेते हैं। मोहन को अलॉटमेंट हुआ था 600 शेयर्स का, 600 शेयर, और उस पर 3 रुपीज़ मुझे लेने थे, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे मोहन से 1,800 रुपीज़ लेना था बेटा। तो इसका मतलब 1,800 रुपीज़ के शेयर ही मैंने मोहन को दिए, जबकि उसने मुझे 2,400 रुपीज़ भेजे थे। दूसरी तरफ अगर मैं सोहन की बात करूं, तो सोहन को भी मैंने 600 शेयर्स ही अलॉट किए हैं बेटा, 600 शेयर्स ही सोहन को भी अलॉट किए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी मैंने 1,800 के शेयर्स ही दिए, जबकि इसने मुझे 3,000 रुपीज़ भेजे थे, 3,000 रुपीज़ इसने मुझे भेजे थे, मैंने उसमें से उसको सिर्फ 1,800 के शेयर्स इशू किए। बाकी का जो अमाउंट था वो इनका एक्सेस अमाउंट था, बाकी का इनका एक्सेस अमाउंट आ गया था मेरे पास, एक्सेस अमाउंट आ गया था। तो कितना एक्सेस हो गया बेटा,
2400 भेजा था, 1800 रुपीस के शेयर्स भेजे थे, यानी 600 इनका एक्सेस अमाउंट था। इसी तरह से सोहन की बात करें तो 3000 रुपीस भेजे थे और 3000 में से 1800 के ही शेयर्स इसको मिले, तो यानी इसका जो एक्सेस अमाउंट था मेरे पास वो 1200 का था, तो ये मेरे पास एक्सेस अमाउंट आया था। अब इनकी बात करूं मैं, अब सिर्फ इनकी इंडिविजुअल बात करूं, तो इन पर जो अलॉटमेंट ड्यू हुआ होगा बेटा, अलॉटमेंट ड्यू मैंने कितना किया, तो देखो इन पर जब मैंने अलॉटमेंट ड्यू किया तो जितना मैंने इनको अलॉट किया था यानी 600 शेयर्स, तो यानी 600 शेयर्स पर मैंने 5 रुपये मांगे बेटा अलॉटमेंट के। यहाँ देखो मैंने इनसे 5 रुपये मांगे थे अलॉटमेंट के, तो मैंने 600 × 5 करके इनसे पैसा मांगा। टोटल इससे कितना मांगा है मैंने मोहन से, मैंने मोहन से मांगा जी 3000 रुपीस। इसी तरह से सोहन जिसको मैंने 600 शेयर्स दिए थे उससे भी मैंने मांगा 3000 रुपीस। मैंने इन दोनों से बोला 3000 रुपीस दो, लेकिन इनका कुछ एक्सेस अमाउंट था जो मैंने पहले एडजस्ट कर दिया, एक्सेस अमाउंट को भी मैंने एडजस्ट कर दिया एडजस्टेड। और एक्सेस अमाउंट ये लिखा हुआ है हमारे पास कि 600 तो मेरे पास इसका पहले से आया हुआ है बेटा, 600 तो पहले से आया हुआ है और इसका 1200 रुपीस पहले से आया हुआ है, एप्लीकेशन के टाइम पर ही इन्होंने ज़्यादा भेजा हुआ है, तो ये अमाउंट मेरा इसमें एडजस्ट हो गया। तो अब जो इनके ऊपर अमाउंट एक्चुअल में ड्यू हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ 2400 तो मोहन पर, प्लस सोहन पर कितना हो गया 1800। 3000 रुपीस अलॉटमेंट बनता था जिसमें से 1200 आ चुके हैं, बाकी 1800 रुपये और आने थे, 3000 रुपीस बनता था, 600 आए हुए, बाकी 2400 बैलेंस बच गया। ये अमाउंट अब इन्होंने, ये अमाउंट इन्होंने मुझे भेजना था बेटा अलॉटमेंट पे, जो कि नहीं भेजा, इन्होंने अलॉटमेंट पर ये पैसा नहीं भेजा बेटा, ठीक है। और ये क्योंकि इन्होंने पैसा मुझे नहीं भेजा तो मेरे लिए क्या हो गया, ये हो गया कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या होता है, वो पैसा जब हम लोग अपने शेयर होल्डर से मांगते हैं लेकिन वो किसी भी कॉल में या अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दे पाते, उस अमाउंट को हम लोग कॉल्स इन अरियर कहते हैं। तो ये जो मेरा कॉल्स इन अरियर हुआ ये मेरे पास अमाउंट नहीं आया, तो अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया बेटा, इन दोनों का टोटल हो गया 4200। तो 4200 रुपये, 4200 रुपीस मेरे पास नहीं आए, बाकी सब ने पैसा दिया। 60,000 लोगों को मैंने शेयर्स इशू किए थे बेटा, 60,000 शेयर्स को मैंने इशू किया था बेटा, यहाँ देखो 60,000 शेयर्स मैंने यहाँ पर इशू किए थे, उन 60,000 शेयर्स के सारे पैसे आ गए, सिर्फ इन दो लोगों ने मिलकर के 4200 रुपीस मेरे पास नहीं भेजे, बाकी मेरे पास सारा अमाउंट इसमें से रिसीव हुआ हुआ है बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास जो कॉल्स इन अरियर था, कॉल्स इन अरियर जो मेरे पास पैसा नहीं आया बेटा इसमें से, वो कितना आया 4200 रुपीस मेरे पास यहाँ पर नहीं आए। तो फिर कितने रिसीव हुए, तो कितने रिसीव हो गए बेटा, तो मेरे पास अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कितनी हुई, तो मेरे पास जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ वो हुआ बेटा 2,05,800 रुपीस का अमाउंट मुझे अलॉटमेंट पर रिसीव हुआ है। बस क्वेश्चन ने हमसे यही मांगा था, हमसे क्वेश्चन ने बोला था कि बताओ अलॉटमेंट पर कितना पैसा आपको रिसीव हुआ, तो ये हुआ 2,05,800। आई होप आपको ये पूरी की पूरी वर्किंग समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान सी वर्किंग है बेटा। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, जो जो इन्वेस्टर्स हैं जिन जिन्होंने डिफॉल्ट किया है उनको अलग से वर्किंग कर करके आप उनका कॉल्स इन अरियर निकालेंगे, और फिर उस कॉल्स इन अरियर को जो टोटल अलॉटमेंट का ड्यू है बेटा उसमें से लेस करके हमें पता चल जाएगा कि अलॉटमेंट पे हमारी कितनी मनी रिसीव हुई है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा बेटा, अगर इसमें आपको लग रहा है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो कि नहीं समझ में आ रहा, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखें, क्योंकि ये जिस तरह की वर्किंग अभी हम लोग कर रहे हैं बेटा इसी तरह की वर्किंग आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस में करीब करीब होने वाली है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार इस क्वेश्चन की वर्किंग को बहुत ध्यान से समझ लें ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको दिक्कत ना हो। एक बार दोबारा देख लें बेटा, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 20-22 मिनट आप आराम से फिर से इन्वेस्ट कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आई विल रिकमेंड कि आप इसको फिर से देखें और एक बार अच्छे से पूरी वर्किंग को समझ लें, और अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ेंगे, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट को बार बार हमें यूज करना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर हुआ बेटा हमारा ये वाला क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए।
सोनी मीडिया लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन ₹4 अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,00,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोस. देखो बेटा यहाँ पर अभी तक इसने क्या बोला, चलो साथ साथ हम ना इसकी साथ साथ समरी बनाएंगे बेटा. अब हम लोग इसकी साथ साथ में समरी बनाएंगे और उसके बाद फिर जल्दी से इसका सोल्यूशन निकालेंगे. चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि यहाँ पर ये जो इशू करना था हमें, इशू देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इसको, यहाँ पर क्या बोला गया इशूड कितना करना है, 50,000 शेयर्स को इशू करना है. तो बस सबसे पहले हम लोग इशूड में लिख देंगे 50,000 शेयर्स. तो इशूड में मैंने 50,000 करना है और इसमें एक शेयर की जो वैल्यू है वो ₹10 है बेटा. 1 share is ₹10, ठीक है. तो ये फेस वैल्यू होगी मेरी ₹10 की. पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो बस अब आपको यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट्स में ये पैसा लेना है बेटा. तो यहाँ पर आपको ₹3 एप्लीकेशन पर बेटा, ₹4 अलॉटमेंट पर और बैलेंस ₹3 फाइनल कॉल पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर. ये इस तरह से हमारा पैसा आएगा बेटा, ठीक है. तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला, हम साथ साथ समरी इसकी बनाते चले जाएंगे. एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,00,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वॉज मेड एज. अब देखो अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया गया, तो यहाँ पर ये जो अप्लाइड था वो 1,00,000 शेयर्स के लिए किया गया बेटा. 1,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गई हैं आपके पास. अब इसका अलॉटमेंट देखें कैसे किया है फिर हमने, क्योंकि हमारे पास डबल आ गई है एप्लीकेशन, हमें 50,000 इशू करनी है और 1,00,000 आ गई है. तो आप देखें क्या किया, अब इसके लिए हमने 2 कैटेगरीज बना दी डायरेक्टर्स ने, यहाँ पर 2 कैटेगरीज बना दी है बेटा, जिसमें 60,000 शेयर्स एक कैटेगरी हो गई, जिसमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और उनको 30,000 शेयर्स ही मिलेंगे बेटा, उनको हमने सिर्फ 30,000 शेयर्स ही दिए हैं बेटा. तो चलिए लिख लेते हैं इसको जल्दी से साथ साथ. तो यहाँ पर 2 कैटेगरीज होगी, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2. इन्होंने अप्लाई किया है बेटा, इन्होंने अप्लाई किया है 60,000 शेयर्स के लिए, जिनको अलॉटमेंट हुआ है 30,000 शेयर्स का, 30,000 शेयर्स का ही हमें यहाँ पर इनको शेयर्स दिए हैं. जबकि दूसरी कैटेगरी वालों ने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो इनको हमने 20,000 शेयर्स दिए, इनको हमने 20,000 शेयर्स दिए. तो ये बात अभी तक हमने इस क्वेश्चन में समझी है. आगे बोलता है अनुपम टू हुम 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड फ्रॉम कैटेगरी 1. इस फर्स्ट वाली कैटेगरी बेटा, इस वाली कैटेगरी में एक इन्वेस्टर है जिसका नाम क्या बोला गया हमें, अनुपम. अनुपम इस फर्स्ट वाली कैटेगरी में है वो. इस अनुपम ने क्या किया बेटा, अनुपम टू हुम 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड, इसको हमने 1,000 शेयर्स अलॉट किए थे और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसने कुछ शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा बेटा, अप्लाई, और हमने इसको जो अलॉटमेंट किया है वो 1,000 शेयर्स के लिए किया है. 1,000 शेयर्स हमने अलॉटमेंट में इसको अलॉट कर दिए हैं, इसको जो टोटल अलॉटमेंट किया है. एप्लीकेशन पर तो इसने पैसा भेजा ही था, अलॉटमेंट पर ये पैसा नहीं भेज पाया बेटा, अलॉटमेंट का पैसा इसने मुझे नहीं दिया है. तो अब आपको क्या बोला गया है, आगे आपको बोला गया है पास जनरल एंट्रीज अप टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट तक की जनरल एंट्रीज करके बताओ. बस हमें यहीं तक का काम करना है बेटा, अलॉटमेंट तक की जनरल एंट्रीज को करके दिखाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं मांगा हमसे. तो चलिए आगे देखते हैं बेटा. अब आप देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर अगर मैं पहले अनुपम की बात करूँ, तो अनुपम को हमने 1,000 शेयर्स अलॉट किए, तो इसने अप्लाई कितने किए होंगे बेटा. तो हम क्या करेंगे, इसकी जो कैटेगरी है, कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 पे जाएंगे. जिस जिसने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको हमने 3 शेयर्स दिए, यानी 60,000 शेयर्स एप्लीकेशन आई थी और 30,000 की एप्लीकेशन को ही हमने अलॉटमेंट किया, यानी हाफ, यानी हमने अलॉटमेंट कितना किया, जस्ट हाफ किया है बेटा. तो इसका मतलब अगर मैंने इसको 1,000 शेयर्स अलॉट किए हैं तो इसने अप्लाई कितने किए होंगे, जस्ट डबल किए होंगे, यानी 2,000 शेयर्स किए होंगे बेटा, 2,000 शेयर्स किए होंगे. आप चाहो तो इसको मेरे उसी मेथड से कर सकते हो जो हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में समझा था. क्या मेथड था बेटा वो, हमें यहाँ पर अप्लाइड निकालना है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, अप्लाइड निकालना है. तो चलो वो भी निकाल के देख लेते हैं, अप्लाइड कितना है बेटा, अप्लाइड है 60,000,
अपॉन अलॉटमेंट 30,000 इंटू अलॉट, हमने इसको कितने किए थे 1,000, यही था ना, यही हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले सीखा था। तो अगर अब आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर 2,000 आ जाएगा बेटा। तो आप क्या करते हैं, जो भी चीज़ आपको निकालनी है, जैसे कि मुझे यहाँ पर अप्लाई निकालना था, तो अप्लाई इसकी कैटेगरी में जितने शेयर्स अप्लाई हैं उसको ऊपर रखेंगे, जितने अलॉट किए गए उसको यहाँ पर रखेंगे अकाउंट में, इंटू कर देंगे जो भी आपके पास यहाँ पर गिवन है अलॉटमेंट का नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर मैंने अलॉटमेंट के नंबर ऑफ शेयर्स 1,000 थे, तो इससे मेरे पास 2,000 शेयर्स आ गए। तो ये इसने अप्लाई किए थे और मैंने इसको 1,000 शेयर्स अलॉट किए बेटा। तो चलिए, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने छोटी सी समरी बना ली। अब हमें जल्दी जल्दी से क्या करना है, अब हमें जल्दी जल्दी से जनरल एंट्रीज को शुरू करना है। देखो बेटा, जनरल एंट्रीज में क्या होगा, तो सबसे पहली जनरल एंट्री क्या होती है बेटा, हमारी सबसे पहले जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाता है कितने अमाउंट से बेटा। देखिए यहाँ पर कितने की एप्लीकेशन आई थी आपके पास, 1,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी और हर शेयर के लिए 3 रुपीज आए होंगे। तो यहाँ पर 1,00,000 × 3 यानी 3,00,000 रुपीज, 3,00,000 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हुए किस नाम पर, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो जो भी हमारे पास एप्लीकेशन में पैसे रिसीव होते हैं हम उनको एप्लीकेशन अकाउंट में रख लेते हैं, जो कि हमारा एक लायबिलिटी अकाउंट है बेटा। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1,00,000 शेयर्स रिसीव्ड, बस बेटा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें इनको क्या करना है, ये जितना भी एप्लीकेशन मनी आया इसको ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में देखो बेटा अब कैसे करेंगे, तो मेरे पास जो टोटल अमाउंट आया वो आया शेयर एप्लीकेशन में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को अब मुझे उस अमाउंट को डेबिट कर देना है जो कि 3,00,000 रुपीज है, 3,00,000 रुपीज। तो ये 3,00,000 रुपीज मुझे अब ट्रांसफर करना है बेटा कहां पर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जरा ध्यान से समझना, अब शेयर कैपिटल में मेरा मैक्सिमम कितना अमाउंट जा सकता है बेटा, शेयर कैपिटल में मैक्सिमम मैं इशूड अमाउंट को ही भेज सकता हूं बेटा, जितना भी मैंने शेयर्स को इशू करना है सिर्फ उतने ही शेयर्स का अमाउंट मेरे शेयर कैपिटल में जा सकता है। तो यहां पर मेरे पास 50,000 शेयर्स को मुझे इशू किया मैंने, यहां पर मैंने टोटल 50,000 शेयर्स को ही अलॉट किया, इशू किया, और उसमें एक शेयर पर एप्लीकेशन में 3 रुपीज लिए हमने। तो इसका मतलब 1,50,000 रुपीज ही मेरा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा बेटा, इस अमाउंट में से 1,50,000 रुपीज ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। बाकी के अमाउंट का मुझे क्या करना है, बाकी का अमाउंट मुझे अब रिफंड नहीं करना है बेटा, अभी मुझे रिफंड नहीं करना है, मुझे इसको क्या करना है, मुझे अलॉटमेंट में भेज देना है। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो भी मेरे पास एक्सेस अमाउंट बच गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर जितने भी लोगों ने शेयर्स मांगे थे मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया बेटा, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। 1,00,000 एप्लीकेशन आई थी तो 1,00,000 एप्लीकेशन को मैंने कुछ ना कुछ दिया है, चाहे आधा ही दिया है लेकिन दिया है, ठीक है। तो इसलिए अब जो इनके पास से मुझे पैसा मिला है, जो इनसे मुझे पैसा मिला है, उस पैसे में से जितना भी मैंने इनको शेयर्स अलॉट कर दिए उतना तो मेरे पास शेयर कैपिटल में चला जाएगा, जो बाकी का अमाउंट बचता है हम उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं, अंटिल और अनलेस हमें क्वेश्चन रिफंड करने के लिए ना बोले। जी हाँ, अगर क्वेश्चन बोलेगा कि आप इसको रिफंड कर दो तो फिर हमें रिफंड करना पड़ेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं बोल रहा तो बाय डिफॉल्ट हम उसको अलॉटमेंट में रख लेते हैं बेटा। यानी अगली बार जब हम लोग ये अलॉटमेंट का पैसा इनसे मांगेंगे तब हम इस अमाउंट को उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो ये जो मेरे पास अमाउंट आ गया बाकी का, वो 1,50,000 रुपीज बच गया। तो ये 1,50,000 रुपीज मैंने शेयर अलॉटमेंट के लिए रख लिया बेटा अपने पास, और उनको इन्फॉर्म कर दिया कि ठीक है जी, ये पैसा हम लोग अपने अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो बस हो गया। तो यहां पर जो मेरी एंट्री आगे क्या आ गई बेटा, बींग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। चलिए, तो ये होगी हमारी सेकेंड एंट्री। अब देखो इसके बाद क्या किया,
इसके बाद अब आपको यहाँ पर अलॉटमेंट की कॉल करनी है बेटा। यहाँ पर अब आपको अलॉटमेंट ड्यू करनी है। पहले तो पहले हम लोग इस अलॉटमेंट को, एप्लीकेशन का काम तो आपको पता ही हो चुका है, अब अलॉटमेंट को अब हम लोग ड्यू करेंगे जो कि 4 रुपीज़ की है। तो 50,000 शेयर्स पर आप 4 रुपीज़ मांगेंगे बेटा, तो वो अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगी। तो चलो पहले अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। और अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए आप क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। तो यहां पर अब ये अमाउंट कितना होगा बेटा, 50,000 शेयर का 4 रुपीज, यानी 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपए आपने शेयर अलॉटमेंट में डाले टू शेयर कैपिटल, और हमने अपने इस कैपिटल को बढ़ा दिया बेटा, शेयर कैपिटल को हमने इंक्रीज कर दिया 2 लाख रुपीज से। बस बेटा, तो ये होगी हमारी अलॉटमेंट ड्यू बींग अलॉटमेंट ड्यू। अब आपको यहां पर इसका पैसा मिलना चाहिए, अब आपको यहां पर इसका पैसा मिलना चाहिए बेटा। तो देखें कितना पैसा मिला अब आपको, आपको यहां पर अब अलॉटमेंट का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो कितना पैसा मिलेगा चलो देखते हैं। अब हमारे पास यहां पर बैंक अकाउंट में कितना पैसा आता है ये देखना है हमें। तो बैंक अकाउंट मेरा इस केस में डेबिट हो जाएगा, राइट। फिर अब कितना पैसा आएगा इसमें बैंक अकाउंट में, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो बड़ा सिंपल सा है, मैंने मांगे तो 2 लाख रुपए हैं, आना तो आइडियली 2 लाख रुपए चाहिए था, लेकिन इस 2 लाख रुपए में से ऑलरेडी मेरे पास कितना आ चुका है, 1,50,000 रुपीज़ ऑलरेडी मेरे पास एक्सेस अमाउंट पड़ा है जो मैंने एडजस्ट कर लिया बड़े अलॉटमेंट में। तो बाकी बैलेंस कितना आना चाहिए मेरे पास, अब बाकी का बैलेंस आना चाहिए मेरे पास 50,000 रुपीज़, राइट। 50,000 रुपीज़ मेरे पास आना चाहिए, बट लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है। उसमें क्या प्रॉब्लम है कि यहां पर एक भाई साहब हैं अनुपम, इन्होंने अलॉटमेंट पर पैसा भेजा ही नहीं है बेटा। जिनको हमने 1,000 शेयर्स दिए थे, इन्होंने अपना पैसा नहीं भेजा अलॉटमेंट की कॉल पे। तो अब इन्होंने कितना अमाउंट था जो नहीं भेजा, अब उसकी एक वर्किंग करेंगे हम लोग साइड में, अब उसकी भी एक छोटी सी वर्किंग हो जाएगी बेटा। यहां पर देखो देखो समझते हैं इसको, पूरा डिटेल में समझेंगे इसको। तो पहले बात करें अनुपम की, अनुपम तो अनुपम ने अप्लाई जब किया था, अप्लाइड तो उस टाइम उसने कितना अमाउंट भेजा था, अनुपम्स अप्लाइड अमाउंट कितना था जब एप्लीकेशन आई थी, तो एप्लीकेशन पर आपने उससे कितना पैसा रिसीव किया था बेटा। तो देखो अनुपम ने अप्लाई किया था 2,000 शेयर्स के लिए, ये अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, राइट। तो 2,000 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया था और हर शेयर के लिए कितना पैसा भेजा था, 3 रुपीज़। तो इसका मतलब अनुपम से मुझे 6,000 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी के हिसाब के रिसीव हुए थे बेटा, ठीक है। अब मैंने इसको अलॉटमेंट कितना किया था, तो अलॉटमेंट अमाउंट जब इसका बना था, यानी अलॉटमेंट का मतलब मैंने इसको कितने इशू किए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इशूड, हमने इसको इशू कितने रुपए के शेयर किए, तो हमने इसको 1,000 शेयर्स ही अलॉट किए थे यानी इशू किए थे। तो इसका मतलब 1,000 × 3 रुपीज़ के हिसाब से 3,000 रुपीज़ के शेयर्स इसको मिले, भेजे इसने 6,000 थे, शेयर्स कितने के मिले, 3,000 के मिले। चलिए ठीक है, यहाँ तक हमारे पास समझ में आ गया। तो इसका मतलब मेरे पास जो इसका एक्सेस अमाउंट था बेटा, एक्सेस अमाउंट वो कितना था मेरे पास, इसका 3,000 रुपीज़ एक्सेस अमाउंट हो गया, एक्सेस अमाउंट मेरे पास इसका 3,000 रुपीज़ हो गया था, ये मेरे पास 3,000 रुपीज़ का एक्सेस अमाउंट आ गया। अब इसके बाद मैंने अलॉटमेंट को ड्यू किया, अलॉटमेंट को ड्यू किया, और अलॉटमेंट पर जो ड्यू हुआ अमाउंट वो कितना हुआ, अब इसके 1,000 शेयर्स थे बेटा, 1,000 शेयर्स पर मैंने इनसे कितने मांगे, 4 रुपीज़, यानी 4,000 रुपीज़ मैंने अलॉटमेंट पर इसको ड्यू किया था, और एडजस्ट कितना कर लिया, तो मैंने क्या किया, जो इसका एक्सेस अमाउंट था उसको भी एडजस्ट कर लिया, क्योंकि इसका कुछ एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास आया हुआ है बेटा 3,000 रुपीज़, वो मैंने यहाँ पर एडजस्ट करा ये 3,000 रुपीज़। तो अब जो बैलेंस इसको देना था वो देना था 1,000 रुपीज़ का इसने मुझे बाकी का बैलेंस देना था जो नहीं दिया, और नहीं दिया तो वो क्या हो गया, वो हो गया कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन अरियर में मेरे पास 1,000 रुपीज़ ऐसा है जो कि अनुपम ने नहीं भेजा, यहाँ से मुझे इस वर्किंग से ये पता चल गया। तो अब यहाँ देखते हैं, मेरे पास कुछ अमाउंट आना है बैंक अकाउंट में, ये भी मुझे नहीं मालूम, मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ पता चल गई कि यहाँ पर कुछ कॉल्स इन अरियर भी है, तो जितना भी हमारा कॉल्स इन अरियर होता है बेटा वो भी हमारा डेबिट होता है, ये आपको अच्छे से मालूम है, हमने पहले डिस्कस किया हुआ इस बात को। तो कॉल्स इन अरियर हमारा डेबिट हो जाएगा जो कि 1,000 रुपीज़ का है, 1,000 रुपीज़ का कॉल्स इन अरियर है जो कि हमारा डेबिट होना है। और
अब मुझे कितना पैसा अलॉटमेंट पर मिलना चाहिए था, हम पहले उसको लिख लेते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखें बेटा, अब अलॉटमेंट पर आपको कितना पैसा मिलना था, फिर से एक बार यहाँ पर वर्किंग चेक कर लेते हैं। हमें जो ड्यू किया था वो 2 लाख रुपीस किया था, जिसमें से 1,50,000 मेरे पास एक्सेस अमाउंट के रूप में ऑलरेडी आया हुआ है बेटा। ये देखिए, यहाँ देखो अलॉटमेंट में मैंने 2 लाख रुपीस यहाँ पर ड्यू किया, जिसमें से मेरे पास पिछली बार ही एप्लीकेशन के टाइम भी 1,50,000 रुपीस आया हुआ है, यानी अभी 50,000 रुपीस मुझे और मिलना था। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर 50,000 रुपीस लिख दूंगा बेटा। ये 50,000 रुपीस मुझे अलॉटमेंट पर मिलना था, जिसमें से 1,000 मेरा कॉल जेनरेट हो गया, यानी 1,000 रुपीस नहीं मिला, तो मेरे पास कितना पैसा आया होगा? तो सर मेरे पास 49,000 रुपीस ही आया होगा, 1,000 रुपीस का कॉल जेनरेट हो गया। तो इस तरह से मेरी एंट्री पूरी होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, बींग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड 1,000 बींग कॉल्स इन अरियर। तो इस तरह से करके हम अपनी पूरी की पूरी नरेशन को यहाँ पर मेंशन करेंगे। बस बच्चे, हो गया है आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। आपको यहाँ पर अलॉटमेंट तक की ही जनरल एंट्रीज करने के लिए बोला था और हमने यहाँ पर अच्छे से इसको समझ लिया। अब आपको बस क्या करना है बेटा, इस तरह की वर्किंग को बहुत ध्यान से समझना है। हमें जितने भी हमारे डिफॉल्टर्स होते हैं उनकी पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। चलिए मैं आपको जल्दी से याद करा देता हूँ कि कैसे समझना है इसको। हमेशा याद रखना, सबसे पहले जितना पैसा आपको रिसीव हुआ हमें वो लिखना है, उसमें से उस अमाउंट में से कितने के शेयर्स हमने उसको इशू किए, फिर वो आ जाएगा अलॉटमेंट कितना हमने इशू किया, ठीक है? तो वो आ जाएगा, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास उसका कितना एक्स्ट्रा अमाउंट आया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है बेटा, लेकिन आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम ओवर सब्सक्रिप्शन के ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो मेरे पास इतना अमाउंट एक्सेस आया हुआ है। अब अगली जो कॉल होती है हमारी, अगली जो कॉल होती है वो हम अलॉटमेंट की करते हैं बेटा। तो अलॉटमेंट पर जितना भी पैसा अब आपका ड्यू होता है, पूरा का पूरा जितना भी ड्यू होता है, हम पूरा का पूरा मेंशन कर देंगे और उसमें उसके बाद देखेंगे कि कितना हमारे पास ऑलरेडी पहले एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है उस पर्सन का, वो मैंने यहाँ पर लेस किया, तो मुझे पता चल जाएगा कि उसने कितना अमाउंट ऐसा है जो मुझे नहीं भेजा है, कितना मेरा कॉल जेनरेटर है। तो कॉल जेनरेटर की बेसिक सी कैलकुलेशन है जो कि हर बार आपको इसी तरह से करनी है बेटा। यही मेथड को हर बार आपने अडॉप्ट करना है तो आपका इजीली कॉल जेनरेटर निकल के आ जाएगा, राइट? और उसके बाद ये जनरल एंट्री में तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो बेटा, ये जनरल एंट्री जब आपको अच्छे से आ चुकी होंगी। अगर आपको इसमें अभी भी डाउट है तो बेटा पिछले क्वेश्चंस को एक बार जाकर के देख लो, शुरू के क्वेश्चन जाकर के देख लो, जहां पर हम लोगों ने जनरल एंट्री इसको शुरू किया था, वहां पर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप आपको यहां पर अब ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन के बाद। तो चलिए, यहां तक हम लोगों ने आज कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।